इस साल कितने लोगों की पार्टीज तो मैंने स्विच कराई हैं कितने लोगों की सियासत छुड़वाई है मैंने कितने लोगों को जो है मैंने कहा आप लातालुकी का ऐलान करते हैं आपका भला इसी में है। इसी में कोविड के आने की प्रडिक्शन से लेके कोविड का जाना फिर खान साहब के प्रॉब्लम जो उनके शुरू हुए उ, 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 मैंने उस वक्त बता दिया था जबकि लोग ये सोचते थे कि ये हो ही नहीं सकता इमरान खान साहब के लिए आगे वाली जिंदगी जो है 24 से आसानियां नजर आ रही है कोई या मुश्किल ही मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी अक्टूबर 2024 तक तो अभी सितारा जो है वो रिलैक्स नहीं बिलावल की शादी कब होगी बिलावल साहब का भी जो मैरिज हाउस है वो खान साहब की तरह जरा चौथी दफा वजी बनेंगे थर्ड टाइम वजी बनने की मेरी अपनी ऑन एयर मौजूद है लेकिन ये ये बनेंगे ये मेरे अंदर से भी मुझे आवाज नहीं आती या मेरा होमवर्क नहीं है उस तरह से पत्थरों की भी एक अहमियत होती है ये मैंने एमरल्ट और टोपास पहना हुआ है, ठीक है और अगर मैं ये ना पहनू आप यकीन करें की शायद मेरे हाथ में पागल होने की लाइन थी और मेरी जिंदगी ने मुझे जितने दुख दिए मैं पागल हो सकती थी ये सारा इल्म, आ, है क्या और ये सीखा किस तरह से सितारों से मत खेलो वरना ये एक दिन तुमसे खेल जाएंगे असल जी आप देख रहे हैं सुनो कास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई अब्दुल्हीदीक और आज आपकी मुलाकात एक बड़ी खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2023 की प्रोडक्शन उनकी कई हद हाँ तक साबित भी सही हुई और कई चीज़ें गलत भी होती हैं क्योंकि प्रोडिक्शन एक प्रोडिक्शन ही होती है मशहूर ज़माना पाकिस्तान की जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं हम बात कर रहे हैं समिया ख़ान साहिबा की मैम असलम और सबसे पहले कि ये मैं बताता चलूँ आप लोगों को भी ख़ासतौर पर कि छः महीने की ब्रेक के बाद आज हमने इन्हें दावत दी है और ये आई हैं इनका शुक्रिया अदा करेंगे मैम थैंक यू सो मच uh, सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफज़ाई देने के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए और सचमुच आपके सुनने और देखने वालों को कहना चाहूँगी मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैंने 2009 में स्क्रीन पे कदम रखा था और मैं कंफ्यूज थी आज ऐसी ही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अरसे के बाद इतना लंबा ब्रेक लिया टी से सिक्स मंथ्स ओनली

हमने तो एक प्रडिक्शन के तौर पर ये बात की <laughs> <laughs> क्योंकि अल्लाह ताला की अच्छा ये बात अगर आप कह रही हैं कि वो सारी प्रडिक्शन दो हजार की आपकी ठीक अप थी अपने रब के इतने सदके जाऊँ हालांकि मैं इसे कहती हूँ ये गैब का इल्म नहीं है साइंस है अंदाजे हैं और ये 70 टू 75 परसेंट गाइडलाइन है मैं सिर्फ अपने रब की इतनी शुक्रगुजार हूँ और बल्कि मेरे कंधे झुक गए जिम्मेदारी से पिछले तीन सालों से सर मेरा पूरा पूरा पैराग्राफ पूरा हुआ है कि जितनी प्रोडिक्शंस मैंने दी आप उसमें से एक भी मार्क नहीं कर सकते कि मेरी गलत साबित हुई है तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं ये क्रेडिट लेना तो चाहूंगी कि कुछ जरा भयानक प्रोडिक्शंस भी थी वो भी पूरी हुई है। अच्छा। क्योंकि प्रेडिक्षन, प्रेडिक्षन है न, भी हैं क्योंकि देखिए प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन है ना मैं मैं अपनी पसंद नापसंद पे प्रोडिक्शंस नहीं दे सकती जितनी मैंने ट्रोलिंग भुगती है जितनी मैंने पज़ीराई मुझे मिली है ख़ान इमरान ख़ान साहब के चाहने वालों से क्योंकि वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये इल्मी राय है अगर आज मैंने बाकी अपने बरदरी जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं मैंने भी वो कल्ट फॉलोइंग के तौर पे प्रेडिक्शंस दी होती तो मैं भी शायद मुंह छुपा के बैठी भी होती अच्छा मैंने मुंह नहीं छुपाया था मैं सचमुच जैसे वो आप अल्लाह से डर जाते हैं कि मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि पूरा पैराग्राफ एक बंदे का तीसरा साल लगातार है कि पूरा पैराग्राफ मेरे रब ने पूरा किया 2021 2022 और 2023 ये 3 साल में आपने आप ये क्लेम कर रही हैं कोविड आने की प्रेडिक्शन से लेके कोविड का जाना फिर खान साहब की प्रॉब्लम जो उनके शुरू हुए आ, उ, उ, मैंने उस वक्त बता दिया था जबकि लोग ये सोचते थे कि ये हो ही नहीं सकता मैंने बता नहीं दिया था मेरा इल्मी अंदाज़ा था ठीक है ठीक है, और वो जो है तब मैंने कहा था कि ख़ान साहब की जो ना अहली है वो इस होम्योपैथिक पी को स्ट्रॉन्ग कर देगी और जो है ना ये एक आप 2000 जब बाईस के मार्च तक पहुंचेंगे तो नक्शा बदल चुका होगा और वो और सब कुछ वैसे वैसे हुआ।, हुआ फिर मैंने इस साल में कहा कि फौज का साल है ठीक है फिर मैंने कहा कि 20 मई तक आप कोई अनहोनियाँ देखेंगे आसमानी नक्शे और मुझे तो खुदा ना खास आप यकीन करें मुझे ये सचमुच लगता था कि कोई वॉर ना नामुसत कर दी जाए पाकिस्तान पे यकीन करें मुझे ये डर था अच्छा। क्योंकि देखिए ये नहीं पता होता जब मैंने कोरोना की प्रडिक्शन की थी मुझे ये नहीं पता था कोरोना आने वाला है मैंने है। तो ये कहा था कि मुझे हम लोग जो मेरे साथ बैठे होते थे वो कहते थे पाकिस्तान रिकॉर्ड तरक्याँ करेगा ख़ान साहब रिकॉर्ड कर देंगे कायम और मैं कहती थी मुझे अंधेरे नज़र आते हैं और मैं कहती थी काश अल्लाह पाक मैं गलत साबित हो जाऊँ मेरा तो जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है तो मैंने कहा जी मुझे मुझे जो है ना वो अंधेरे नज़र आते हैं मुझे कर्फ्यू नज़र आता है मुझे वॉर जोन नज़र आता है अच्छा अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ और एक स्कॉलर हैं बड़े मशहूर उनका नाम है पता नहीं हम यहाँ लेना चाहूँ कि ना उन्होंने जब ये कोरोना आया तो उन्होंने बाकी सबको भी स्क्रीन पर जमा किया मुझे भी बुलाया अच्छा। उन्होंने कहा कि ये खातून कहती थी कि उन्हें ये नज़र आता है वो ये भी कहती थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं खुदा और मैं वाकई जब डिस्ट्रक्टिव कोई पेश गई होती है

इसी तरह एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बता सकती है कि ये टाइम फ्रेम भयानक है इसमें लो प्रोफाइल हो जाओ इसमें खुल के खेलो और जो है यही इसी से मदद लेके जो है ना वो मैं अंदाजे बनाती आई हूँ अभी रिसेंट जो आखिरी पेश गोई थी 2023 की मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब 2023 के सेकंड हाफ में मुल्क में वापस आएंगे और जब वो वापस आएंगे तब आप इलेक्शन का बिगल सुनेंगे अच्छा तब इलेक्शन का बिगल बच जाएगा और कितने दावे होते रोज़ 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 बिस्तर बांधते बांधते थे रोज करते हाँ। थे रोज थे करते हम अब मैं, मैं में है अमेरिका में थी देखते क्या होता है लोग हमें अकाउंटेबल कर लेते फिर एक जो मुझे बहुत जिसका अफसोस होता है मैंने ये बाईस में कहा था कि दो के सेकेंड हाफ में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग शुरू हो जाएगी अच्छा फिर ये झड़पें रुकेंगी नहीं हाँ दो एक साल अभी झड़पें चलेंगी ठीक है। फिर ये ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स से बाकायदा थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है ना वो और मैं बार बार लोगों को कहती थी कि अपने किबले दुरुस्त कर लें क्योंकि सचमुच एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑनवर्ड्स शुरू है ठीक है तो ये मैं अपने लोगों को गाइड भी करती थी कि जो है यहाँ से अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए अच्छा समिया जी ये बताइएगा एक बात कि आपने ये सारा इल्म सीखा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं आप और मुख्तलिफ टी वी चैनल्स मेन स्ट्रीम पर भी काम करती हैं अपना सोशल मीडिया भी चलाती हैं सितारों के हाल भी बताती हैं ये सारा इल्म आ, है क्या और ये सीखा किस तरह से पहले तो ये चीज़ और इसमें कि, कितने हद हाँ तक मतलब वो कह लें ना परसेंटेज में हकीकत होती है चीज़ों में ये सब बताइएगा और बचपन से ही शौक था या अब आके मतलब आप जब ग्रेजुएशन किया आपने या पढ़ा जो भी उसके बाद से ये डेवलप होना शुरू हुआ एक्चुअली अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि देखें मैं वाहिद वो पाकिस्तान की खातून हूँ जिसने बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ बैठ के अपने इल्म को डिफेंड किया अच्छा ठीक है मेरी तो हाजिरी लगा दी जाती थी कि कैसे खातून आप कैसे जो है क्योंकि जब आप आप अल्लाह मतलब 2009 से ही मेरा ख्याल है कि मेरे रिकॉर्ड अल्लाह ने बनाने शुरू कर दिए पॉलिटिकल प्रोडिक्शन के ये पाकिस्तान में कम ही ऐसा हुआ है मेरा अब दिल चाहता है कि मैं भी बाकी खुतिन की तरह किताब लिखू ठीक <laughs> है और वक्त आ गया कि मैं वैसे वैसे, वैसे एक बात बताऊँ अब्दुल्ही पोलिटिकल प्रोडिक्शन से मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हूँ जी आपने मुझे लास्ट बताया इतनी ट्रोलिंग हुई कि वो और मुझे अपनी इज्जत साख में अल्लाह से जब मैं छोटी सी भी थी ना मुझे दुआ भी पता नहीं होता कैसे से मांगते हैं तो मैं कहा करती थी अल्लाह पाक इज्जत की जिंदगी देना और इज्जत से खात्मा बिल खैर कर देना तो मैंने कहा यार इतना रिकॉर्ड बन गया बस काफ़ी है ना मुझे तो कभी ना शोहरत का शौक़ था ना काम करने का शौक़ था सवाल का जवाब ये दूंगी कि जिंदगी के फेलियर्स ने इस काम में डाला अच्छा हुँ। हुँ। क्या करती क्या थी मैं तो हाउस का बेहतरीन शौक था मुझे

Uh, main, uh, I'm, I'm born अच्छा। मैं हम बॉन इस्लामाबादी अच्छा ठीक है मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई मेरे जो वालद थे वो सीडीए uh, की तरफ से हमेशा प्रेसिडेंट हाउस में अबू डायरेक्टर रिटायर हुए थे अच्छा और हम पांच बहनें और एक भाई एल्डेस्ट वन ओके तो वो आप ये ये जो बचपन से ही ना मैं क्या करती थी अब्दुल अब्दुल्ही कि मैं वो अंगूठियाँ घुमा घुमा के दादी नानी के बच्चे गिन रही होती थी अब दादी नानी के ग्यारह ग्यारह बच्चे थे वो और अंगूठी वो बकायदा ग्यारह दफ़ा ही घूमती थी और फिर उसके बाद वो रुक जाती थी तो वो वासिफ़ अली वासिफ़ की कोटेशन को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी कि रब तला ने जिस इंसान का रिस्क जिस एबिलिटी के ज़रिए लिखा होता है ना वो उसके अंदर पैदा करके उसको पैदा किया होता है पाँचवीं छठी से मैं हाथ देखने की किताबें पढ़ा करती थी और फिर मैं सबके हाथ देखा करती थी आई वॉज इन फिफ्थ क्लास जो जब मैंने अपनी दो खलाएँ जो थी मुझे ऐसी बैठे हुए तो मैंने एक खाला से कहा कि आप थर्टी टू की एज में विडो हो जाएंगी और एक खाला से कहा कि आपकी तो शादी नहीं चलेगी और दोनों के साथ ऐसा हुआ

आपको ये शौक कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना किसी ना किसी ने इंस्पायर किया होगा या आपने खुद से ही वो बुक रीडिंग शुरू कर दी हाथ वाली बिल्कुल या किसी को देख के कोई अब, और भी चीज होती है ना नस्लों में कोई नजू गुजरा मेरी सात नस्लों में कोई No, तो भी भी ना, ना, मेरा, मेरा यहाँ पे मैं आपको बात कि एक बताऊँ की एक स्कॉलर ने जब मुझे टीवी पे बुला लिया उन्होंने मेरा पूरे मेरी अकाउंटेबिलिटी की फिर उन्होंने कहा कि सामिया जो है वो सही ट्रैक पे है की जब आप अपनी पेश गोई कर रहे हैं और उसकी दलील दे रहे हैं कि ये इसकी ये दलील अच्छा। है बिहाइंड दी तो फिर ये इल्म की बात करती हैं कशफ होना इल्हाम होना ये अल्लाह के वलियों की सिफात में से है जो कि मैं नहीं हूँ और ना मैं कोई अल्लाह ना करे हालांकि पिंकी मेरा निकने में और आधा खानदान मुझे पिंकी के नाम से जानता है लेकिन मेरे में वो रूहानी सिफात नहीं आई है ठीक है ठीक है ना मैं साइंस की बात करती हूँ मैं तो कहती हूँ इंसानी अंदाजों का इल्म है गलती का इम्कान है मैं भी इंसान हूँ इंसान तो गलती का पुतला ही है जी तो वो ये बचपन से यकीन जानिए अब्दुल्ही की ये नहीं कह सकती कि कोई वदियत में मिला अच्छा। या कोई बुजुर्ग गुजरे थे बिल्कुल भी नहीं हाँ, है। एक तो मैं दो साल में दुनिया में अच्छा आप लेट आई मैं लेट आई थोड़ा तो मेरे माँ बाप दादी नानी वो जाके हर जगह पे मन्नतें मांग रहे होते थे बच्ची आपको बच्चा बच्ची आ जाए तो मेरा ख्याल है जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ना उनकी जिंदगी कुछ अपनी भी नॉर्मल नहीं फिर रहती हैं ठीक है और पता नहीं एक यही मुझे चीज़ समझ में आती है कि मैं किसी है। की दुआ का नतीजा हुई है। मेरी दादी नानियाँ बेचारी जाके दुआएं मांगती थी कि मेरे जो अम्मी अबू को औलाद हो जाए तो फिर खैर मैं आती हूँ दुनिया में और ज़िंदगी इतनी मुश्किल मैंने काटी है इतनी मुश्किल मैंने काटी है कि आपकी सोच होगी कि मैंने बे फेलियर सफ़र किए मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हद हो गई थी कि मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि जो है अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं ना मैं कहती थी कि मैं ग्रेजुएशन हूँ मुझे क्या नौकरी मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कोई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल नहीं। नहीं। जाएगी और मुझे फ़ोबिया था कि मुझे मर्दों में काम नहीं करना अच्छा कि मैं ये बचपन से एक डरपोक सी पर्सनैलिटी थी कि मुझे मर्दों में काम नहीं करना और मैं जो ये होता था कि जो है बस वो मैं घर में वो बिल्कि सीधी जी का एक जुमला मैं आज भी औरतों को कोट करती हूँ कि जिन औरतों को घरों में अगर मर्द कमा के ला के दे रहे हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है, अच्छा ये क्लेम करती है। जी बल्कि सीधी जी ने जुमला बोला था कि एक मर्द के ठुडे खा लो एक मर्द की सह लो बाहर घर से निकलोगे सौ मर्दों की आँखें सहनी पड़ेंगी सौ मर्दों के आपको जो है ना वो उस पर से होकर गुज़रना पड़ेगा तो मुझे वो बात मेरे अंदर वो इतनी थी कि मैंने अपनी शादी को निभाने की अटमोस्ट कोशिश की लेकिन मैंने ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन अकेले गुजारे कभी अम्मा अब संभाल रहे हैं कभी कोई और है शादी के बाद शादी के बाद क्योंकि वो आ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे उस इंसान में कि वो ना कमाना जानता था ना वो जो है छोड़ना चाहता था ना वो कमाता था है। तो वो कुछ इस तरह के मसाइल इतने ज़्यादा थे कि आ, फिर अम्मी माँ ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि अल्लाह पाक ने दो हाथ दिए ना किसी के घर में जाके झाड़ू दे के कमा लो इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से वो इज़्ज़त की ज़िंदगी बेहतर होगी और फिर मुझे ये आ, ये इल्म तो भी बीच में सीख रही थी जब अपने फेलियर्स देख उसके अच्छा बाद जो उन्हीं फेलियर्स हाँ, ने ना वो एक जहाद थी जिंदगी की आप किस तरह आप एडिये हो तो सरवाइवल के लिए जो है तो वो उसके बाद उसी दौरान में मैंने जब फेलियर्स थे जिंदगी के तो मुझे ये काम में ले गई क्योंकि किसी ने मेरे बारे में प्रिडिक्ट किया कि या तुम विडो हो जाओगी या डिवोर्स हो जाएगी अच्छा उस टाइम पे आप जिस तरह आपने बताया कि मुझे क्लास में आपने ये वो तो ऐसे तो, मैं, तो मैं बुक्स पढ़ती थी फिर मैं स्टार्स को रीड करती थी तो वो तो जैसे बच्चे आजकल भी बच्चों से पूछेंगे तो हमसे ज्यादा बच्चों को पता होगा तो उस वक्त मैं ये नहीं क्लेम करती कि मुझे इल्म आता था। सही है। तो इल्म तो जब मैंने प्रॉपर इसको सीखना शुरू किया। आपको 90... कुछ थोड़ा सा आगे उस पर आ रही हूँ जब घर बिल्कुल पता लगा कि खुद एफर्ट करनी पड़ेगी तो मैंने इस इल्म को पहले से मैं तजर्बे रही थी एक ऑथर थे सईद बर्ग साहब अच्छा। वो बुक्स लिखा करते थे मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की मेरे पास देने को फ़ीस तो होती नहीं थी तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि क्या मुझे जो है थोड़ा सा आप बेसिक सिखाएंगे कि जायचा कैसे बनता है मुझे जायचे की वो नो हाउ नहीं थी बिल्कुल भी मैंने फिर उस इल्म को उन्होंने उन, उनके पास मैंने उन्होंने पता नहीं कैसे उनके अंदर अल्लाह ने शफकत डाल दी होगी मेरे लिए कि उन्होंने मुझे उस पर सिखाया जायचे के हाउसेस और जायचे के बेसिक्स जो हैं फिर मैं उसके बाद तीन साल तक मैं हर उस इंसान का जायचा बनाती थी जिसकी ज़िंदगी मेरे सामने गुजरी हुई होती थी फिर मैं सीखती थी कि ये सितारा उसको ऐसे हिट करता था इसका मतलब है ये अच्छा आया तो ये ऐसे इसको कॉम्पनसेट करेगा तो मैं हर उस बंदे की ज़िंदगी पर काम करती थी जिसकी ज़िंदगी को मैं जानती होती थी इनसाइड आउट फिर मैं उस इम को उस पर अप्लाई करती थी फिर मैंने इम उदात यानी न्यूमरोलॉजी सीखा फिर इस्लामाबाद में एक बहुत सारे एक ज़माने में ईरानी लोग आ गए थे एक ईरानी ख़ातून को मैं अच्छी लगी उन्होंने मेरे से एस्ट्रोलॉजी की वो ली तो मैंने उनको वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की उनके पास एक कार्ड्स का इलम था टैरो कार्ड्स नहीं ये टी लीव्स भी लोग पढ़ते हैं कॉफी रीडिंग भी होता है अच्छा। फिर उस खातून से सीखने के लिए मैंने ट्रांसलेटर हायर किया मैंने जो है और थोड़े थोड़े पैसे दे के लोगों को पता नहीं अल्लाह तला कहते हैं ना कुछ लोगों को तर्स आ जाता था मेरे से पैसे भी ज्यादा डिमांड नहीं करते थे उसने के अब वो जब सीखे तो उसके बाद में प्रॉपर जो मैंने लोगों के लिए प्रोडिक्शन शुरू की ना अब्दुल अब्दुल्ह नाइन का था इस्लामाबाद में मैं काम शुरू किया था नाइन नाइन से मैंने काम को शुरू अच्छा, किया अब आपकी यही पे बात इसके आगे कंटिन्यू करते हैं ये मतलब कई लोग इसको जादू का नाम भी देते Allah थे ना करे। इसको मैं आपको क्लियर कर यही चीज में सवाल किए आपने कई लोग इसे काला इल भी कह देते है कई लोग इसे कह देते हैं हैं, कि इसके लिए पता नहीं कितने चिले काटने पड़ते ठीक है तो आप पे इस तरह पे मैंने 2009 में मेरा पहला इंटरव्यू जो है जियो का बड़ा फेमस मॉर्निंग शो होता था दुबई से मुझे उनके मॉर्निंग शो की कॉल आई और मेरी जिंदगी ये अपना जब आपकी जिंदगी का और मुझे नादिया खान जो होस्ट किया करती खान। थी तो मुझे उनके शो की कीटली exactly. और मुझे उनके शो पहले तो उन्होंने मुझसे अपनी रीडिंग कराई मेरी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए फिर उसके बाद उन्होंने दो मेरा इंटरव्यू किया तो मैंने वहाँ पे एक लाइन बोली जो कि जंग न्यूज़ ने अपनी हेडलाइन बना दी सामिया खान ने कहा कि मैं आपकी तकदीर को बदल नहीं सकती मैं आपको उससे डील करना सिखा सकती हूँ अच्छा। जहाँ तकदीर को बदलने की बात आप करोगे कि ये अगर अच्छा नहीं है लव स्टार्स अच्छे नहीं है तो जाओ ये तावीज अम, अमल कराओ ये गंडा कराओ महबूब कदमों में आ जाएगा हाँ, रिस्क मतलब को ताला लगावे रिस्क का ताला खुल जाएगा वो शिरक में आता है जहाँ आप मुकद्दर को बदलने की बात करती है मेरा तो काम ही क्या है मेरा तो काम यह है कि मैं लोगों को जब पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ कि ये लव स्टार्स बेटा मैरिज हाउस में अगर कॉम्प्रोमाइज है तो समझ लो कि वरना ये समझ के रिश्ते में एंटर होना है वरना जो है वो इससे दूर ही रहो ठीक है ठीक है वरना जो ये और अगर लव स्टार्स ख़राब है तो मैं लड़कियों की बाकायदा उस पर उनको समझा रही होती हूँ कि मोहब्बत में प्रैक्टिकल हो के चलो अगर आदमी जिम्मेदार है क्योंकि बाकायदा उसकी अगेंस्ट उनकी कोचिंग करती हूँ तो मैं शिरक में नहीं डालती लोगों को कि जाओ जाके ये अमलियात कराओ और ये जो है ये चीज नहीं जो मुकद्दर में कुछ चीजें तकदीरें अटल है और कुछ को बदला जा सकता है अपनी लेकिन तो वो ने तकदीर लिखती भी है एक लोहे महफूज है उसी, और उसी को उसी तो, उसी तो पढ़ना को, होता है। उसी को पढ़ती हैं आप उसी को आपका तो जो है।, है मैं वो समझना चाह रहा हूँ और मैं लोगों को भी दिखाना चाह रहा हूं और ये कहते ना एक एक्सचेंज ऑफ था एग्जैक्टली कि आपका जो तरीकेकार है वो ये है कि आप उन तकदीरों को पढ़ती हैं। जी जिस जो इंसान माँ हाँ। के पेट से जैसे कहा जाता है कि जाने का दिन आप जो है वो माँ के पेट से लिखवा के आए है। ठीक है, ठीक तो जब आप माँ के पेट से बाहर आते हैं तो ऊपर आसमान पे जो एक नेविगेशन सिस्टम है वो जहाँ जहाँ बैठे हुए होते हैं वो आपकी तकदीर को सेट पैटर्न कर देते हैं वरना मैं निन्यानवे से पढ़ रही हूँ अच्छा। और मैं उसी पैटर्न से आपको पढ़ती हूँ लोग ज़ाहिर है पहले मैं जब क्लाइंट मेरे पास आता है जब तक मैं उसका पास्ट नहीं बताऊंगी वो अपने और प्रेजेंट का प्रॉब्लम उसे खुद नहीं बताऊंगी वो सेटिस्फाई नहीं होगा वो आगे फ्यूचर पे मेरे से सेटिस्फाई नहीं होगा ठीक है तो ये जो मैं आ, पास्ट और फ्यू को पढ़ती हूँ कि प्रेजेंट क्यों लेके आया उनको मेरे पास ये मुझे ख़ुद डायग्नोज़ करना है अच्छा मेरा क्लाइंट जब बैठता है तो मैं उसको बोलती हूँ सिवाय अपनी इन्फॉर्मेशन के भी आपने कुछ नहीं बोलना अच्छा वही मैं इसी बात पे और अल्लाह का इतना शुक्र है कि आखिरी पाँच मिनट में उन लोगों को देती हूँ कि अब आप अपने सवाल करें और यूजुअली ये जुमला मुझे बहुत सुनने को अल्लाह ने दिया कि मैडम आपने हमारे सारे सवाल खुद ही कवर कर दिए ठीक है चलें इस पे आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन पे अब इसका तरीकेकार जो मेरे नाकअ की अगर नज़र से देखें तो मुझे जितना पता है मैं उतना ही बात करूंगा कि वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हैं सवालों से लोग हाँ, लो कहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा लोग ये कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे वो चीजें पूछ लेते हैं जो कि खुलिए जोड़ना एक फॉर्मूलाज साइंस एंड ऑल दैट स्टफ जो आप उस करके अपने क्लाइंट्स को भी राजी करते हैं एंड वो अपनी जो एक नॉलेज आप लोगों के पास है एस्ट्रोलॉजिस्ट आप हैं तो उसको भी मुतमिन करते हैं तो ये इससे तो नहीं कोई मतलब कि आप उनसे कुछ इस तरह की चीजें पहले पूछ लेते हैं एंड देन उनको वो उस तरह से रिफ्रेस करके थोड़ा no. सा मोल्ड आउट करके बता दें ये इस तरह का वरना एक बात बताओ अब्दुल्ही जो जिस दौर में हम आ गए हैं ना हम हर वक्त एक में खड़े ठीक है और अगर मैं ये काम कर रही होती तो फिर पॉलिटिकल पोलिटिकल का रिकॉर्ड ना मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी हो चुकी है की क्या मैं ये खबरें सचमुच इल्म की बेस पे देती हूँ या, 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 या चुड़ेल आदि देती है ऐसा कुछ नहीं है मेरा टेस्ट भी हो चुका हुआ ठीक है ये तो बताए ना जरा बात सुने जो है कुछ चीज़ें वो पर्दे में रहनी चाहिए लेकिन मेरा टेस्ट मैं अपना दे चुकी हुई तो टेस्ट आसान था या मुश्किल था अल्लाह का शुक्र है मैंने पास किया मैं सुरखुरू हुई और उस वक्त भी जो प्रडिक्शन्स मैंने दी उस स्कूल ऑफ थाट को वक्त ने साबित की तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस तरह पेपर्स में होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड <laughs> थर्ड टर्म फाइनल एग्जाम तो आपका फाइनल एग्जाम पहले हो गया या फर्स्ट टर्म एंड सेकंड एंड थर्ड इसी सीक्वेंस में चला आई थिंक एक 2 आवर्स की मेरी मीटिंग थी जिसमें मेरा वो पूरा टेस्ट था कि मैं कैसे इस काम को करती हूं या मैं कैसे उसमें अपनी साबित करती हूं अच्छा तो ये मैं टेस्ट दे चुकी हूं और वरना ये तीन सालों से तो इतनी खबरें तो किसी जर्नलिस्ट के पास भी नहीं होती जितनी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड अल्लाह ने बना दिया था तो इतनी तो प्रडिक्शन किसी जर्नलिस्ट के पास भी नहीं आती हैं तो इनको तो इनको तो खबरें दी जाती हैं न हम, हम मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है मेरे पास ऐसे साहिब मोतबर लोग भी आते हैं अपने आप को जानने के लिए इस साल कितने लोगों की पार्टीज तो मैंने स्विच कराई हैं कितने लोगों की सियासत छुड़वाई है मैंने कितने लोगों को जो है मैंने कहा आप लातालुकी का ऐलान करते हैं आपका भला इसी में है। इसी में है। तो जो है वो ये काम अल्लाह का करम है और ये ये जायचे की बेस पे मशवरे दिए हैं ठीक है जाती पसंद नापसंद पे नहीं दिए मैंने कभी बाइस्ट भी हुई कभी भी नहीं जिंदगी में इस आज तक इल्म की बात करते हुए नहीं हो सकते अब्दुल हई आप किसी से नाराजगी हो, हो दुश्मनी हो अंदर कोई तो एक होता है ना आपके अंदर ही अंदर एक कोई ये चीज पक रही होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अगर अब आपको इल्म दे देते हैं तो फिर यही तो आपका इम्तिहान है और मैं आपको एक बात बताऊं मैं तो अपने साथ के जो मेरे लोग हैं हैं, जो भी हमारी फील्ड के लोग हैं तो मैं तो बल्कि उनके नाम एक पैगाम अपने आ, सोशल मीडिया पे हमेशा देती हूं, सितारों से उसकी वैल्यू होती है कई हद तक कुछ इल्म आपको अफेक्ट भी करते हैं ठीक है तो इसने कहीं आपको अफेक्ट तो नहीं किया तो किया ना मतलब देखें जब आप इतनी लोगों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं डिप्रेशन आपको भी हो हो जाता है मैं ड्रेन जाती हूं, लेकिन वो सिर्फ एनर्जी मेरी जा पड़ती है बाकी तो जो अल्लाह का शुक्र है जब आप अल्लाह को भी तो मुझे तो कॉम्प्लीमेंट ही ये लोगों का मिलता है कि जो है आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं और मैं तो खुद ये रेजोल्यूशन अल्लाह से कर रही होती हूँ कि तेरी मखलूक को गुमराह नहीं करना पता जितना मेरा रिकॉर्ड बना ना अब्दुल्ही लोगों को लगता है इसको सब पता होगा और हालांकि ऐसा नहीं होता मैं औलाद होगी होगी दो बच्चे होंगे एक होगा हमारी शादी कब तक चलेगी ये बड़ा अच्छा खातिन और कई मर्द भी आपसे पूछते होंगे की मेरी बीवी ठीक है नहीं ठीक और बीबिया पूछती होंगी की मेरा जो चुखावध है वो ठीक है कि नहीं कोई नशा तो नहीं करता पैसे कितने कमा लेता है और अगले साल कितने कमा लेगा ऐसे सवाल बहुत शुक्र बहुत तो अदा करती, तो एक, एक करती हूँ सौ में से दो दाने ऐसे आते हैं जिनको बताना क्योंकि लोगों के लिए ठीक है एक तो मैं थ्रू अपॉइंटमेंट मिलती हूँ और कम मिलती हूँ और मेरी क्लाइंट ज्यादा पढ़े लिखे लोग है उनको समझाना उनको कन्वे करना ज्यादा इजी है कोई ऐसा आ जाए जो बाबू से होके आया हुआ होता है ये मेरा पार्टनर इसका नाम ही कैसा रहेगा यार ये मैं जवाब नहीं दे सकती खुदा का वास्ते ये अव्वल तो जब तक तो तारीख़ पैदाइश एग्जैक्ट ना हो तो मेरी वैसी मैं उनसे कहती हूँ कि ना मैं आपके माजी में झांक सकूँगी ना मैं, मैं आपके मैं आपका प्रेजेंट जायचा बना के उसमें मैं आपके मसाइल का हल निकाल सकती हूँ लेकिन मैं आपके उसमें नहीं जा सकती पास्ट में ये मैं सच्ची से बता देती हूँ क्योंकि मेरे लिए इल्म में मेरे लिए चाहिए आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाए अबाउट योर टाइम ऑफ

मेरी मैरिज ने तो मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी आपने एक शादी की दो शादियाँ दूसरी शादी मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पे जब अभी ने रिसेंट निका हुआ बड़ा फेमस भी हुआ लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो हमें पता थोड़ा सा जो है वो एक उनको दिल का को आर्जा था हम हज पे थे अच्छा। और जो है क्योंकि अल्लाह ने लिखा है ना कि खुद ही कमाओ तो वो जो है शायद उनको नहीं पसंद के जो है मैं जिंदगी में मेरा ध्यान और मैं मैं काम से जान छुड़ाती हूँ आप यकीन कीजिए मैं बड़ी खुश हुई चलो जी अब शादी अब, हो है। होगा अब मेरी काम नहीं करना पड़ेगा अब आपको कमाने की टेंशन नहीं होगी लेकिन मेरी किस्मत में भी जो है ना वो काम करना लिखा था तो खैर वो इस तरह उन उनका जो है वो हुआ और बाद में जब इल्म सीखा था तो मैं अब घर वालों को कहती थी कि इमरान ख़ान साहब की तरह मुझे भी शादी रास नहीं है तो जो है मुझे ना डाले मेरी माँ को होता था तो कल रह हैं? जाएंगी अल्लाह ने बच्चे नहीं दिए थे वो जो फ़र्स्ट हस्बैंड में उनके कुछ ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए अल्कोहलिज़म उनके बहुत गंदी उनको एक बीमारी थी जिसकी thing, हम इस पे जाते हाँ, ही नहीं। तो अल्लाह ने मुझे यूँ नेमत से नहीं नवाजा था लेकिन मैंने बहन से एक बेबी अडॉप्ट किया फिर मैंने उसको कुरान हिफ्स कराया मोहम्मद उसका नाम है नाउ ही सिक्सटीन इयर्स ओल्ड तो माशाला। बस उसी पे जो है वो वो ही एक फ्यूचर की होप है जिसके साथ बस मैं अल्लाह ताला आपको हाँ। सलामत रखे और उस बच्चे को भी सलामत रखे जी हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अब इस पे आ जाते हैं कि 2024 आने वाला है 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा कितना पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आएगी ज़रा ये लोगों को बताइएगा अच्छा मैं अल्लाह मेरी इज्जत रखे और मैं शायद पहली ऑन एयर पेश कोई मैं आप ही के पास दे बेशक मैंने नहीं इससे पहले काम किया मुझे बहुत चेज़ किया गया आई नई इन लंडन और अमेरिका तो मैं एक ही बात कहती थी मैं आके दूंगी लेकिन मैं सचमुच अभी आना नहीं चाहती थी टिकट पे ना तो जो है देखें लोग यहाँ जब मुझे कहते हैं कि यहाँ से भाग के हम जा रहे हैं बड़ी दुनिया भाग रही है हर कोई पाकिस्तान के हालात से भाग रहा है वहाँ पे मैं वाहिद ये बात करती हूँ कि एक वक्त वो आना है कि बाहर से लोग तरसेंगे कि मुल्क में जगह मिल जाए और ये पाकिस्तानी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये मुझे बहुत प्यारी होप्स हैं अपने मुल्क के लिए ठीक है क्योंकि मैंने कहा था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो था अगर हम 20 मई तक बच गए तो फिर हम इसका मतलब है कि वो जो यहूदियों के अजाइम हैं कि 2025 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा पाकिस्तान का नाम नहीं होगा तो वो इनके जो है ना वो अल्लाह पूरे नहीं करेगा ठीक है। और 20 मई से जो आगे का सफ़र है हमारा मुझे वो समाओ एक स्टेबल पाकिस्तान आपको इन नज़र आना शुरू हो जाएगा और जो है ये अभी तो अब जैसे मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कहा था कि ये फ़ौज का साल है और उसकी मेरी बिहाइंड बिहड क्या है मार्स इस इस साल का रूलिंग हर साल को एक सितारा रूल कर रहा होता है, है। तो इस साल मरीख रूल कर रहा था तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बेहतर था ये जो ज़ीरो टॉलरेंस का नारा भी लगा ये पाकिस्तान की आपको यूथ तो अपेरेंटली लग रहा है जो हम फॉलोअर्स हैं ख़ान साहब के उनको लग रहा है कि ज़्यादती हो रही है लेकिन ये मुल्क के लिए, मुल्क के के लिए लिए स्टेप हो है। जिसका नतीजा आप लोग 2024 से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा तो यस ये फेबर कि तक खबरों का बहुत आप देखेंगे है। ये जो 2024 ट्वेंटी फोर मैं फिफ्थ फेबर तक कह रही हूँ फिफ्थ के बाद फिर पाकिस्तान जो है ना वो अपने स्टेबल ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो जाएगा तो इन शाह ये तसली रखें कि पाकिस्तान से जो लोग भाग रहे हैं मैं उनको अभी भी मैं हमेशा ही पैगाम देती हूँ कि वो वक्त आना है जब आप लोग अपने मुल्क में जगह ढूंढेंगे ये मुल्क सचमुच जो है क्योंकि देखें एक तो ये जो मैं देखती हूं कि इंटरनेशनली हालात में इतने अच्छे नहीं देख रही है उस पर भी थोड़ा सा कि किस तरह से देख रही है उसमें मुझे अब्दुल यही लगता है कि ये पावर्स को जरूरत पड़ जानी है पाकिस्तान को बचाने की ठीक है उनके अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान का चलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा तो जिसकी वजह से हम अच्छी उम्मीदें ये रखें कि इन ताला जैसे हमारे मुल्क में लाडले का टैग पहले इमरान ख़ान साहब को दिया गया आजकल नवाज़ शरीफ साहब को मिल रहा है तो दुनिया अल्लाह के यूनिवर्स में ये मुल्क थोड़ा लाडला होने जा रहा है अच्छा। जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी होप्स हैं इन शौबीस और पच्चीस इस मुल्क का नक्शा बदलेंगे अब उसका सेहरा किसके सर सजेगा सचमुच ये मुझे नहीं पता ठीक हो गया लेकिन ये, जो है, ये मुझे इसमें कहते हुए मेरे आ, भी हाई होता है मुझे सचमुच रोशनी फील होती है अपने मुल्क के लिए कि इनशाला अगर हम 20 में 2023 से आगे निकल आए तो हम बचेंगे और हम सुरु होने जा रहे हैं इनशाला अच्छा पांच को आपने कहा कि इसके बाद से पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा आठ से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे देखिए मुझे बीच में में बड़ी अभी नजर आती हैं। ऑफ़ तक मुझे सितारों में पूरी नहीं है। तो के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हाँ, है कि होंगे बात करेगा कि नहीं होंगे तो ये भी तो जो है सिर्फ ये ओस फैलाया जाएगा ज़रूर जो कि नज़र आती है कि किनार की किसी सिचुएशन आपको फिफ्थ ऑफ फेबरी तक समहा अदर आपको महसूस होती रहेगी एक इनसेक्योरिटी जो है लेकिन जब मैं अगर मैं आगे नक्शा अच्छा देखती हूँ तो इसका मतलब है कि इलेक्शन हो जाएगा ना अंदाज़ों का इलम है अच्छा। न और फिर मैं मार्च से बीस मार्च से तो मैं बहुत अच्छा टाइम देखती हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक जो चेंज बनेगी या सिस्टम में स्टेबिलिटी आने वाली है जो कि आगे मुल्क के लिए बेहतर होने जा रही है बिल्कुल तो ये तो ज़रूर है कि अब्दुल्ही पाकिस्तान इन ताला जो है ना सेफ जोन में एंटर हो जाएगा हो गया है फिफ्थ ऑफ फेब्री से जरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी शुरू हो, हो जाएगी ये जो अभी तक हम ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि जी होगा नहीं हो गया ये हो गया अच्छा ये भी मेरी प्रडिक्शन थी जब इतनी ज़्यादा खबरें थी और आप सोचे मैं हर स्क्रीन पे थी और मैं कह रही थी अग ये पाकिस्तान का जो नंबर है 2023 का ये पाकिस्तान का नंबर है सेवन अच्छा हो नहीं सकता कि हमारा मुल्क इस साल डिफॉल्ट कर जाए ये मैं बार-बार कहती थी यहां पे और मैं कहा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता इक्कीस से का है। है कि उस की भी रहे अच्छा, 2021 से 2023 तक की आपने कहा प्रोडक्शन मेरी सारी ही सारी उसमें से सबसे बड़ी प्रोडिक्शन आपकी कौन कौन सी थी एक तो इमरान खान साहब की आपने बता दी इसके अलावा आपकी कौन कौन सी प्रोडिक्शन थी जो आपने की और वो अच्छी साबित हुई और सही साबित हुई पूछा जाता था आप खान साहब के बारे में क्या देखती है? हाँ तो मेरे अपने भी खड़े तो नहीं देखती थी अपना वो इंटरव्यू <laughs> देते हुए मैंने कहा मैं खान साहब के लिए आइसोलेशन देखती हूँ मुझे उनके लिए मुझे वो आइसोलेशन एक्सप्लेन नहीं करनी आती देखे ना गैब कई मेरे पास नहीं है उस आइसोलेशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि वो क्या है वो कैदे तन्हाई होगी या वो उनको जिला वतनी ना काटनी पड़े लेकिन मैं उनको आइसोलेटेड होता हुआ देख रही थी सितारों में उनकी इस मैरिज ब्रेकअप की भी मेरी प्रडिक्शन मौजूद है ठीक है और अभी तो चल रही है खैर अल्लाह बचाए लेकिन जो है फिर आपके ख्याल में सबसे जो मेरी पेश गोई ने थरथली डाली थी जो है और वो जब इमरान खान साहब ने से शादी की जी। और मैंने डेट दी कि आठ जनवरी को निक, उनका यक़म्मश निकाला हुआ या एट ऑफ जैन को हुआ हाँ? था तो मैंने हर चैनल पे तो मैंने कहा था ये ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर से आगे शादी नहीं चलेगी और उसमें दो दिन रह गए थे और वो शादी टूट गई तो उस खबर को तो ऐसे चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे पीटा एक खातून ने आठ माह पहले बता दिया था कि ये शादी नहीं चलेगी फिर इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से शादी यकम जनवरी को ही मैंने कहा जी मेरे सितारे कहते हैं वो यकम जनवरी को शादी हुई हालांकि दूसरा निकाह बाद जी में जी किया यही गया बात लगा था कि बाद में किया वो दूसरा निकाह बाद में किया गया लेकिन यकम जनवरी पर मैं आई वॉज ऑन एवरी टी और मैं कह रही थी यकम जनवरी को मेरे सितारे भी तायद करते हैं इस बात ठीक है अच्छा दूसरी जो है ये इमरान ख़ान साहब का फॉल ये कोई नहीं सोच सकता था जो लाए थे वो भी नहीं सोच सकते थे और मेरे मतलब आ, उस वक्त के जो आ, आ, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल इंसान से भी जब मेरी मीटिंग हुई तो वो भी ये कहें कि कैसे आप कह सकती हैं कि वो इतना पॉपुलर आदमी है कैसे मैं जी, ये मुझे नहीं पता कि ये पॉपुलैरिटी उनको कैसे रेस्क्यू करेगी लेकिन ये चीज़ें 20 मई तक हो चुकी होंगी 20 मई 2023 तक हो और ये मैं खान साहब को कहती थी कि इकतदार फिर भी मिल जाएगा वजीर अजम नवाज शरीफ साहब की तरह फिर चांस साख बचाएं साख बचाएं साख को डेंटा कभी भी नहीं कभी भी नहीं हाँ धरने के दिनों में मेरे पास उनका नंबर था डॉक्टर आमिर लियाकत अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और जो है उनकी वजह से था तो मैं जो है वो उनको मैसेज भेजा करती थी क्योंकि उस वक्त मैं बहुत मुझे भी लगता था अल्लाह ने एक लीडर दे दिया है और शायद मुल्क की तकदीर संवर जाएगी तो मैसेज का मुझे प्रॉम्प्ट रिप्लाई उनकी तरफ से आ जाया करता था लेकिन मेरी मुलाकात कभी उन्होंने कभी आपसे पूछा नहीं कि कभी भी नहीं Uh, क्योंकि उनका तो बिलीव कहते हैं ये वो शायद तार उनके पर पास कहा घर का पीर हाँ, था ना। मतलब ना तार पर यही कहा जाता है कि इतना सितारे घेरा टाइट कर रहे खान साहब के उनका सितारा उनको ट्रैप कर रहा था पूछते थे और, हाँ, सारी और मैं इतनी जिस दिन में हैरान होती थी कि वो कैसे उनको गाइड नहीं कर रहा कि कैसे उनकी मुशीर हैं या कैसे उनके एडवाइजर्स हैं एक शख्स को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त की बुलंदियों पे पहुंचाया अल्लाह अभी भी हम कहते हैं उनके लिए सलामती होए लेकिन ये कि वक्त बड़ा ज़ालिम है देखें जब नवाज शरीफ साहब थे अपने ओथ में ये माइनस वन की भी मेरी प्रडिक्शन है मैंने कहा था कि नून लीक अपनी मुद्दत पूरी करेगी नवाज शरीफ माइनस हो जाएंगे जब उनका केस चल रहा था अच्छा मैंने कहा था ये माइनस हो जाएंगे और जो है वा, 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 क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सरसती चल रही थी ठीक है और जब सरसती खत्म हुई तो मैंने कहा था अब ये अच्छा इस, ये सरसती जो है ये क्या है? ये, हाँ ये ये देखा ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन सरसती जो है ना ये इसका कुरने पाक में भी जिक्र हैजूब वाले वाक में जब सितारा जोहल आपके बर्थ चार्ट में बारहवें घर में आता है आपके ट्वेल्थ हाउस के अंदर तो साढ़े सात साल का एक आजमाइी पीरियड शुरू हो जाता है अच्छा और मैं कहती थी कि अच्छा ये घरों वाली भी बात हाउसेस हा। ये ना। वाला सितारा तो हमारा उस घर में था फिर वो वाला सितारा तो हमारा इस घर में था जैसे आप पैदा हुए ना तो बारह कितने घर हैं बारह टोटल बारह घर हैं बारह ये आपकी इल्मी जो भी मामलातेशन है तो उसमें हर घर अपनी अपनी सिचुएशन बताता है। जी जी जैसे अब, आ, आ, जब नवाज नवाशिव साहब का सेट्रन ने अपना चक्कर पूरा कर लिया तो मैंने कहा था अब ये जेल से भी बाइजत निकल जाएंगे अब ये साल मैंने कहा था सेकंड हाफ उन्हें अपने घर की खुशी दे रहे अच्छा। और आप देखें कितनी बाइजत इक्कीस अक्टूबर को वो वापस आए हैं आप सोचे कितनी हुई है बिल्कुल कबूतर ने भी उनकी वेलकम किए हैं और जिस तरह उनकी वो एक चीज तो मैं कभी खुशी कभी गम वाले जो मुलाकातें हुई हैं वो तो आपने देखी है कहा जाता this. है ना एवरीथिंग इज फेयर इन 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 लव एंड 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 वॉर पाकिस्तान पाकिस्तान हाँ। <laughs> हाँ, <and> <laughs> ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है हाँ। खैर अच्छा इस पे आ जाते हैं कि घरों का मामला आपने जिस तरह बताया कि हर घर का अपना अपना वो एक नॉलेज है और उसमें जिस तरह आपने नवाज शरीफ साहब की प्रोडिक्शन की इसके अलावा भी किसी बड़े लीडर की प्रोडक्शन की उनकी तो घर वाले भी मुझे इनवाइट कर चुके हैं अच्छा। मैंने सर ये अमेरिका में बाइडन के आने की भी प्रडिक्शन की थी अच्छा। मैंने कहा था नहीं इंटर, करेंगे अब मेरा जिक्र वॉशिंग्टन पोस्ट में भी हुआ है जब जरदारी साहब के दौर में उनकी शादी एक छः माह की और वो शादी थी उनकी या उनका ताल्लुक था क्योंकि वो ख़ातून हमारे एक शो में भी आई हम एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है नुमाने जास जी सरकार उसमें वो ख़ातून आई और उन्होंने आके मुझे कहा कि आपकी वजह से जो है ना मेरा ब्रेकअप हो गया मैंने कहा मेरी वजह से क्यों तो आपकी आपकी वॉशिंगटन पोस्ट में प्रडिक्शन का जिक्र आ गया उनका रिलेशन था फिर वो ख़त्म हो गया था अच्छा। तो मैंने मैंने तो इल्म की बेस पे की और मुझे रुजू किया

एक सन था, था, दूसरा मून तो मैंने कहा ये इलेक्शन होगा और ये हकुमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी ठीक है तो मैंने कहा ये इलेक्शन अगर आप नवंबर में करा दें, तो ये एटलीस्ट uh, सेफ हो जाएगा फिर मैं कहती थी खान साहब को मैं एडवाइस देती थी कि किंग मेकर बनिए किंग ना बनिए इस पाकिस्तान के जायचे की एक अलमिया जो वजीर आजम का मनसब है ना वो कॉन्ट्रोवर्शल है ठीक है देख लें या ना अहल साबित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं है। या आप हिस्ट्री उठा के देख लें सदर सुकून से अपनी मुद्दत पूरी करता है इक्कीस तोपों की सलामी लेता है रुखसत हो जाता है कभी किसी सदर को वक्त से पहले हटाया गया तो ये आप मैं इनको खान साहब को ये भी मैसेज पहुंचाती थी मतलब अपने प्रोग्राम्स के जरिए लेकिन मैं कहती होती हूँ कि ना नवाज़ शरीफ साहब ने मेरी सुनी सरसती के दौर में मैं कहती थी पंगे ना लें आप जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे और उनका एम्पायर हिल गया अभी तक भी सोचें वो साख वापस नहीं आ सकी जो डेंट पड़ गया उस बेशक, बहुत बड़ा है बेशक और जो है इमरान खान साहब भी नहीं सुनते थे कि भी सख्त वक्त शुरू हो गया है और एग्जैक्ट डेट मैंने दी थी फेबर की या जनवरी की कोई डेट थी मुझे ये बाईस की प्रडिक्शन है ये तो मैंने कहा था यहाँ से आ, सितारे जो हैं वो इनको आ, वो कर देंगे घेरना शुरू कर देंगे तो खान अच्छा। साहब को अपना बहुत अ, अपना एक एक डिसीजन सोच सोच के लेना है ठीक लेकिन नहीं खान साहब भी खान साहब <laughs> ठीक हो गया जी हम आगे चलते हैं इमरान खान साहब के लिए आगे वाली जिंदगी जो है चौबीस से ऑनवर्ड्स नजर आ रही है, कोई है, मुश्किल ही, मुश्किल तरीन होती ही चली जाएंगी है। लेकिन अगर आप मुझे कहें जैसे देखें जब पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ था तो उस वक्त भी हम टीवी पे थे तो मैंने कहा था कि अगले दस साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को दोबारा कम ठीक है और पूरे टेन ईयर्स लगे और पीटीआई को आप कितना साल लगेंगे पीटीआई को भी इतना ही टाइम लगेगा दस साल लगेंगे साख को रिवाइव करने के लिए अप्रॉक्सीटली आपकी कहना चाहिए दस साल अप्रोक्ट मतलब अभी अभी थोड़ा सा ये है कि अब जो सिस्टम बनेगा ना मुल्क में एटलीस्ट वो मेरा तो अभी भी आपके थ्रू भी दरख्वास्त है कि इस मुल्क में पार्लियामानी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए कुछ ऐसा सिस्टम जो भी इनको समझ आता हो क्योंकि वो इसी तरह ही है कि वज़ी अजम का मनसब जो है ना वो कॉन्ट्रोवर्शली है ठीक है कि पता नहीं वैसे कोई ऐसा वजी अजम गुजरा है जिसने मुद्दत पूरी की और मेरा नहीं कि जब से पाकिस्तान बना है वजीर अज़म का मनसब पाकिस्तान के जायचे में ही कॉन्ट्रोवर्शियल है ठीक हो गया अच्छा अब बात कर लेते हैं बिलावल की शादी की तो बिलावल की शादी कब होगी देखिये मैं ये बात और बिलावल अब हुत में अब दो हजार चौबीस में इलेक्शन जो हो रहे हैं आठ फरवरी को उसके बाद कोई पोजिशन अच्छी बिलावल के लिए होगी मैं ये तो नहीं कह सकती बिलावल साहब का भी जो मैरिज हाउस है वो ख़ान साहब की तरह ज़रा औखा ही है खा अभी मेरी कल परसों मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरे बादामी साहब के साथ थे जिसपे मेरी हेडलाइन लगी हुई थी पुराना था वो कि खान साहब को शादी रास नहीं है सियासत रास है और आप देखें कि शादियों ने उनको साख को डेंट डालें शादियों नहीं डालें अभी भी उन उनकी अपनी तो कोई करप्शन का किस्सा नहीं निकलता जो निकल रहे हैं वो रूहानी शख्सियत के निकल रहे हैं ना तो जो है आ, इसी तरह बिलावल का मैरिज हाउस भी ऐसा है ठीक है हाँ ये है कि जिंदगी अब उनको एक लास्ट चांस देने जा रही है 2024 के मिड हाफ से ठीक है अगर इसमें उन्होंने कर ली तो कर ली वरना पता नहीं मुझे तो उनके लिए कुछ आ, ऐसी नज़र आता है कि और मैं हमेशा कहती हूँ कि बिलावल बहुत लंबा नहीं चलेंगे सियासत में

चौथी दफ़ा वजी बनेंगे देखिए नवाज शरीफ साहब की ना जो असल डेट ऑफ बर्थ में हमेशा बड़ी दुआएं देती हूँ कि मतलब मेरे साथ बैठे मेरे बरदरी के लोग कह रहे होते हैं नून लीग ख़त्म नून लीग का सफ़ाया हो गया तो मैं कहती थी नून लीग जस्ट राउंड दी कॉर्नर ये किसी वक्त भी आई फिर शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ी अज़म बना दिए जाते हैं असल में उस घर में जो सितारा स्ट्रॉन्ग है वह वजी शहबाज शरीफ साहब का सितारा है अच्छा जो बचा जाता है जो, जो उनको बचा अभी भी मेरा ख्याल है कि अभी भी आप हिसाब किताब करेंगे तो उन्हीं की वजह से बचत भी हो गई है तो जो है इनका सितारा बहुत स्ट्रॉग है जब ये माइनस वन हुआ था तब भी मैं टीवी पे टीवी के थ्रू पैगाम देती थी कि इनको चाहिए लेकिन तब उन्होंने खाकान अबासी साहब को बनाया प्राइम मिनिस्टर भाई पे शायद उन तो कुछ ट्रस्ट इशूज़ होंगे तो मैं तब भी कहती थी शहबाज शरीफ साहब का सितारा स्ट्रॉन्ग है तो ये चाहिए ये उन्हें दे दे मनसब अब खैर उनकी सिलेक्शन जिसने भी की तो नवाज शरीफ साहब का ये तो है कि ये जो 10 जनवरी से सितारे ने टेक ऑफ करना है इनका टेक ऑफ टाइम तो है अच्छा क्लीन चिट तो शुरू है उनके लिए ठीक है ठीक है ना ख्याल धो धुला के सारे उसमें से फारे बाजत कर दिए जाएंगे क्योंकि उनका सितारा टेक ऑफ कर रहा है दो हजार चौबीस से लेकिन ये फोर्थ टाइम थर्ड टाइम वजीर आजम बनने की मेरी प्रोडिक्शन अपनी ऑन एयर मौजूद है तीसरी बार मैंने मुशरफ साहब के दौर में इनके वजी अजम बनने की प्रोडिक्शन की थी उस वक्त अब्दुल्लाई जब ये जिला वतन थे अच्छा उस वक्त दी थी लेकिन फोर्थ टाइम ये ये मेरे अंदर से भी मुझे आवाज नहीं आती या मेरा होमवर्क नहीं है उस तरह से सितारा उनका बेहद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है टेंथ दो जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स ठीक है मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये किसी और को ना बना दिया जाए या कुछ ऐसा डिसीजन ना हो जाए तीन बार तक की तो मेरी पेश नजर में किसको आपकी नज़र में क्या कहती हैं आपके किसे दी जाएगी ये पोजीशन मुझे तो अभी भी यही लगता है कि शायद इनकी किस्मत ना चमक पड़े छोटे मियाँ साहब की <laughs> दोबारा इनकी किस्मत ना चमक पड़े इनका सियासी सितारा तीन चार लोग हैं मुल्क में जिनके सियासी सितारे बहुत स्ट्रॉ कौन कौन है शेख रशीद साहब लेकिन अच्छा? वो अपने अब उस पर बेचारे पे फिर भी मुड़ तुड़ के वो फिर सीधे हो, हो जाते हैं हाँ सीधे पदरे हो जाते हैं इमरान ख़ान साहब और शहबाज शरीफ साहब और जो है ये ये तीन और मौलाना फजलर रहमान साहब देखें हर दौर में ये, ये किसी ना किसी तरह जो है ना ऐड कर लिए जाते हैं इनकी इम्पोर्टेंस बना दी जाती है शायद इनकी बेसिस बहुत स्ट्रांग है इनकी शहबाज शरीफ देखें कितनी बात तो वजीर आला रह चुके हैं वजीर आजम भी जी, बन गए बिल्कुल तो ये जो है इनकी जिनको इमरान खान साहब को भी सियासत रास है लेकिन बस काश के वो कहीं पर थोड़ी सी कोई बात सुन लेते या मान लेते जो है ना ठीक हो गया अच्छा कौन-कौन सी शख्सियत का आप हाथ देख चुकी हैं अभी तक ये नहीं ये में नहीं बताया जा अच्छा, सकता अच्छा फिर भी कोई एक दो बड़े नाम मेरा इतना बड़ा ओथ है अपनी आ... रेजोल्यूशन है अपनी इल्म के साथ अच्छा कि मेरे इवन आप सोचें कि जब मैं लोगों को चेक भी करती हूँ ना तो मैं आमना सामना भी नहीं क्लाइंट्स का होने देती एक वेटिंग एरिया होता है वहां से जब अगला मेहमान जाता है तो दूसरे को हम उसमें ऑफिस में आने देते हैं मैं इस हद हाँ तक का ख्याल मेरे साथ एक साहब थे तो वो एक प्रोग्राम में ना उन्होंने धड़ाधड़ नाम ले रहे ना तो होस्ट कहने लगे कि मैं मोहतरम आपसे आपकी टेलीफोन डायरी नहीं पूछ रहा तो जो है ये मैं मैं कोई कितनी अनएथिकल बात है कि क्योंकि तो ये आप, आपका पर्सनल डाटा होता अगर है अगर आप मिले हुए लोगों से तो देखें हमारा काम एक तो ऐसा है कि वो ना इसमें आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं अच्छा इन ऐसे तो यकीन है सितारे आते हैं मतलब अदा ईमान कमजोर हाँ। हालांकि मैं कहती होती हूँ मजबूत से मजबूत ईमान वाले को भी जरूरत हाथ देखना गुना नहीं है क्या देखिए मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगी इस इल्म से रहनुमाई लेना गुनाह नहीं है इस इल्म का ग़लत इस्तेमाल किस्मत से उलझने की कोशिश ये जो अमलियात जादू टोने यहाँ पे आप शर्क के ज़ुमरे में जाते हो जब आप किस्मत को बदलने की बात करते हो अगर आप समझ के जैसे अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैं अभी लंदन गई तो मैं दुनिया को गाइड करके गई कि एक सितारा जब उल्टा चलता है रेट्रोगेशन का वर्ड यूज़ करते हैं मरकरी ये चोरियां कराएगा इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब कराएगा ये आपकी ग़लत फहमियाँ पैदा कराता है चोरों को एक्टिव कर देता है मैं दुनिया को गाइड करके गई सोलह सेप्टेम्बर को उसने सीधे होना था तेईस में और पंद्रह सेप्टेम्बर को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मेरा वॉलेट चोरी हो जाता है <laughs> <laughs> चोरिया करवाएगा ये तो अपने साथ चोरी करवा के हो गया होमलेस ऊपर से आप पेनीलेस हो जाए खैर अल्लाह ने बड़े मोज से भी दिखाए उस ट्रिप में मेरे जेब में टेन डॉलर या टेन पाउंड्स के बावजूद मेरा सफ़र नहीं रुका और जे एफ़ पे पर मेरे लिए प्रोटोकॉल लगाओ कभी किसी ने सोचा नहीं होता तो अल्लाह ने बड़ी शान से सफ़र कराया मेरा मेरी कोई चीज़ नहीं रुकी रब के मोजे भी हमने देखे कि मैं जब से वहाँ से आई हूँ मैं एवरी फ्राइडे दस नफरत शुक्राने के पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे वो जो छोटे छोटे मौजे देखे पर्स में पैसे भी नहीं है नहीं, और सफर भी करना है और इतनी महंगाई ऊपर से ना वहाँ पे कोई दोस्त यार ना। पाकिस्तान के लोग तो वैसे ही बड़े हेल्पिंग है और बाकी भी ममालिक के लेकिन एक बंदा होता है ना कि यहाँ पर जरा बंदा कहता है यार वहाँ पे क्या कहे किसी को और वो पता नहीं लोग तो बड़ी हेल्प हाँ। करते हैं इंसानियत तो उनमें हमसे ज्यादा ही है वो तो वही आप जैसे किसी के स्टोरी सुनते मजारों पे पे दरबारों मेरी जेब कट गई हाँ। है थोड़ा सफर के वो, वो ज्यादा दे, 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 दे मेरी तो ऐसा में रोना भी आए लेकिन अल्लाह ने बड़ी मेरी मदद उसमें क्या क्या था पर्स पे क्रेडिट कार्ड्स जाते जब मैं जब मैं जा रही थी तो डॉलर भी नहीं मिल रहा था पाउंड भी नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स एक्टिव कराए ठीक है तो मेरे सारे में पेनीलेस हो गयी नहीं बड़ा जी इसका सोच आपके साथ तो ये, जो आप कि मैं ये, भी ये सुन रहा <laughs> निकाल तो मैंने सुना है की रोमे जो इतनी सु, तरीके से आपके पता भी नहीं लगने थे थे। ये तो हम अपने मुल्क को रोते हैं वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती कोई रिकवरी नहीं करा सकती अच्छा चले जी आगे चलते हैं और मुझे ये बताए अब की पत्थरों की भी एक अहमियत होती है बिल्कुल हर लोग अक्सर पहनते हैं पत्थर तो इसका इंसानी शख्सियत पे भी कोई असर होता है कहते हैं भारा है ए सूट नहीं किया हाँ। हकीक पहनो ये तुम्हारे लिए सही साबित होगा मतलब इनकी क्या मतलब हकीकत है मैं ये जानना चाहता हूँ ये भी एक साइंस है अच्छा ये आपके साइंस से अलग साइंस है ये नहीं ये मतलब मैं ये तो मैं तो, मैं तो इलाज करती हूँ मैं तो इलाज करती हूँ स्टोन से मैं खुद सेल नहीं करती मैं सिर्फ रिकमेंड करती हूँ ठीक है ठीक है ना ये मेरी अपनी मेडिसिन पहनी हुई है ये मैंने एमरल्ट और टुपास पहना थीक थीक है, ठीक है और अगर मैं ये ना पहनूं, आप यकीन करें कि शायद मेरे हाथ में पागल होने की लाइन थी और मेरी जिंदगी ने मुझे जितने दुख दिए मैं पागल हो सकती थी अगर मैं ये ना पहनती अपनी मेडिसिन तो मेरे दिमाग के अंदर कामनेस ना आती ये किस्मत को नहीं बदलते सबसे पहले तो ये शर ख़त्म करें अपने अंदर से हम यह सिर्फ किस्मत ये दिमाग को डील करते हैं सीधे हाथ की जो वेन्स के थ्रू सोलर एनर्जी लेके आपके ब्रेन को एनर्जी देते हैं मेरा दिमाग जैसे इनकी वजह से मैं कहती हूँ ये काम रहता है, है। वरना मेरी ये वैसे भी खान वाली है। नहीं पैनिक बहुत हो जाता है बहुत इन्ग्ज़ाइटी हो जाती है क्योंकि बताया ना कि ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें देखी हैं तो वो मुझे बहादुर नहीं बनाया उन्होंने और कमज़ोर बना दिया है अब तो किसी का नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं तभी यही तो बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको आपकी ब्रेन को इतना स्ट्रॉग कर देंगे वरना एक बड़ी मेरी ख़तरनाक प्रडिक्शन थी दो की कि नफसियाती अमराज बढ़ेंगे सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ेंगी लोगों में और उनको रोकने के लिए मैं मेडिसिन सजेस्ट करती हूँ जो कि जायचे को मैं देखती हूँ अगर ब्रेन एरिया को ज़रूरत है तो मैं अपने क्लाइंट को बहुत जोर डालती हूँ मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे दुआएं भी मिलती हैं ठीक है जिन जिन को मैंने आज तक पहनाया है दुआ भी मिलती है आप नबियों ने पहने हैं जो अकीक है सुन्नत नबी है तो पहनना और जो है ज़मूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी पहना करते थे तो ये मुख्तलिफ़ हस्तियों के साथ भी इनको मनसूब किया गया है लेकिन ये सिर्फ चार से पाँच स्टोन हैं जिनकी कौन, कौन से ज़रा बताइएगा? अकीक हर किस्म का उसमें आ जाता है नीलम मुर्द पुखराज फिरोज़ा मरजान जो है रूबी या कूट ये सात एक ऐसे साथ हैं जो बहुत एक्टिवली आपके साथ आपकी के, बॉडी केमिस्ट्री को जो है ना यहाँ एनर्जी देंगे और ये दिमाग जो है इसकी क्या होता है कि ये मुख्त मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में पैनिक नहीं करता ठीक है। जब पैनिक नहीं करता तो गलत फैसले नहीं लेता ठीक है ठीक है ना तो ये इस तरह ये मदद करते हैं किस्मत को नहीं बदल सकते ये मैं पहले इसको अपने क्लाइंट को भी समझाती हूँ कि ये स्कूल ऑफ थॉट मत रखिए कि ये नसीब को बदलेगा सही हो गया अच्छा एक और भी आवाम में सवाल होता है जी कि इसका नाम भारी है बिल्कुल ये क्या कहानी है इसकी आपने भी ना कोई है? सवाल वैसे छोड़ा नहीं होमवर्क अब्दुल्ह आपका बहुत अच्छा है मैं <laughs> मैं तो जो आ, नाम मैं इस बारे में हमेशा कहती हूं, नाम वो पहला तोहफा है जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं ठीक है तो मैं कहती हूँ वो जो हस्तियां जिन्होंने बहुत सहा है प्लीज उनके नाम मत रखिए ठीक है ना ठंडे नाम रखिए अच्छे मतलब वाले नाम रखिए जो है मतलब इसमें हकीकत है कि ये की करते हैं आप बहुत नाम वो पहला तोहफा है जब मैं हॉरोस्कोप सुनाती हूं तो मैं कहती हूँ कि जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है जिनके नाम इस इस इनिशियल से स्टार्ट होते हैं वो ये सितारा सुन ले नाम आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट है तो नाम तो मैं माँ बाप से कहती हूँ इस पे काम करके फिर इसको रखा करें अच्छा, मुझे याद है मेरी, बद... भी करके जी, रखा मेरी भी पैदा हुई तो तो मैं मैं जब उसका जायचा तो ये तो बड़ी अथरी होगी बड़ी रिबेलियस होगी फिर मैंने उसके नाम पे काम किया उसका नाम मैंने उस सितारे में से निकाला जिन सितारों के बच्चों में ओबीडियंसी के बहुत इनग्रीडियंट्स पाए जाते हैं वो नाम क्या था वैसे फातेहा रखा फिर मैंने नहीं पहले वाला क्या? जो पहले नाम था नहीं, जो नहीं, मैंने उसकी पैदा होने पे काम करना क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है मैं तो नाम अल्लाह का शुक्र है घर की पीर की इज्जत नहीं होती लेकिन मेरे से पूछे बगैर कोई फैसला लिया नहीं जाता तो वो जो है बच्चों के नाम मैं ही रखती हूँ फैमिली के अंदर तो फिर मैंने उस नाम पे काम किया फिर मैं उसके बाद उसके नंबर भी डिसाइड करती हूँ नंबर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जब आप जब आप अपना साइन बनाते हैं अब्दुल हई वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो आप साइन नॉर्मली करते हैं जी पेपर्स वगैरह पे चेक्स मेर, पे मेरा अम्मी अबू ने तो जो स्पेलिंग्स लिखे एस से एम आई ये लिखा सामिया मैंने उसके आगे एच लगाया ताकि उसका नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली सिक्स बन जाए ठीक है ठीक है आ, हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है ठीक है ताकि आ, और उससे ये हुआ कि जिंदगी में थोड़ा सा ये जो आ, प्रेशर कमाने का आया अल्लाह पाक ने उसमें आसानी की नंबर सिक्स बनने की वजह से तो ये नंबर्स का बहुत रोल है जिंदगी में नंबर से ही आगे चलते हैं जी। कि आपको पता है कि फिगर्स की बात होती है जी जी ये जब क्रिकेट मैचेस होते हैं जी जी और इसमें फिगर लगता है तो दस दस लाख भी कमाया जाता है और <laughs> बड़े बड़े पैसे भी लोग कमाते हैं और ये है तो गलत काम ऑबियसली इसमें तो कोई मोबाइल का इराया नहीं है कि ये गलत नहीं है अब उसमें आपको पाकिस्तान के और इंटरनेशनली भी जो लोग ये जुआ करवाते हैं बैटिंग करवाते हैं एप्स आ चुकी हैं अब तो बहुत बहुत अच्छा आला किस्म अच्छा। है जो आपको एक बॉल पहले ही बता देती हैं कि है अच्छा। तो वो ज़रा अपडेट रखती रह, हैं आपको तो आपको कोई कॉल्स और मैसेजेस रिसीव होते हैं कि ये हमें। आपको भी इतना हिस्सा दिया जाएगा सामिया का भी इतना हिस्सा होगा पचास लाख अगर जीतेंगे तो पच्चीस लाख सामिया लेके ले तो ऑफर नहीं की किसी ने लेकिन ना ये सवाल हुआ बहुत कि मतलब एक तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आ, वो किसी लीग को वहाँ खेल रहे थे किसी जगह पे ये पाकिस्तान के जी पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है उनका अभी भी आप, हैं हयात है नहीं हयात हैं और आ, नाम बहुत वल्ला ने उनको दिया वो मुझे वहाँ से पूछ रहे एक जगह दूसरे मुल्क से अब अच्छा दो मेरे प्रडिक्शन ठीक हो गई तीसरे मुझे तीसरे पे समझ आई कि ये तो सब लगा <laughs> मैंने अल्लाह से तोबा की और मैंने बस आपने भी ना मेरी कॉल के तीसरे पे ही मुझे समझना कि मैं सट्टा लगा रहा हूँ पहली दो बस बता दो कॉलों तक तो कॉलेस हो रही है शायद हाँ। इनको दूसरी टीम के साथ लेकिन मुझे तीसरे पे समझ आई आपको हिस्सा मिल जाएगा नहीं कुछ नहीं कहा देखे इंसान का दिमाग है ना वो पॉजिटिव भी सोचते है, यहाँ पे नेगेटिव भी सोचता यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं हमेशा कहती हूँ मेरे घर के सामने ग्रेव है ठीक है और मेरे अब्बू वहाँ पे हैं। तो मेरे अब्बू जब इस्लामाबाद से शिफ्ट हुए सिर्फ छः महीने मेरे अबू उस घर में जिंदा रहे फिर अब फौत हो गए मैं अम्मी की वजह से अम्मी के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरी वालदा माजूर और सुना आप थपकी लेके निकलती हैं हाँ मैं उनके बगैर नहीं अभी भी मैं आ, आ रही थी ना उनका वो वेंटिलेटर्स वाला बेड होता है ना मैंने हॉस्पिटल वाला बेड लिया हुआ ताकि उनको बिठाने में कम्पलीट बेड रेडन है तो मैंने उनको हिलाया तो वो में कौन है कौन? मैं मम्मी पिंकी मेरा नाम पिंकी जो मैं मम्मी मैं टीवी पे जा रही हूँ दुआ करना तो मैं कह के आई उनको मैं चलो उनके जहन में रहेगा कि मैं उनको मिल के गई हूँ चाहते हो गया वो सोई अल्ला भी अल्ला नहीं अल्ला नहीं। सेती, आप तो वो नहीं? जो है मैं कहती हूँ कि हदीसों में कहा गया है कि हस्पतालों के चक्कर लगाओ कब्रस्तानों में जाओ ताकि तुम लोगों को अपना आख़रत याद रहे मैं ये मैं कोई बड़ी ये मैं शो मारने के लिए नहीं कह रही वो जो मैं जितना उसके सामने से गुजरती हूँ ना उस कब्रिस्तान ने मुझे कभी भी डिट्रैक नहीं होने दिया ना मैंने कभी अब्दुल्ही झूठ बोल के एक रुपया कमाया है मैं अपने क्लाइंट के दस फ़ोन भी सुन रही हूँ तो जब तक मेरे क्लाइंट की तसली नहीं होती मैं फ़ोन बंद नहीं करती हूँ

वो किसी डॉक्टर का पता पूछता है अब्दुल है मैं, तो वो एक पूछता ना कि यार कितनी फीस है इसकी अब्दुल है मैं हल्फन और कसमिया ये कह सकती हूँ में 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 है। है। मुझे सिर्फ यू मेरे में इतनी ताकत नहीं है मैं एक है। दिन में सिर्फ चार विजिटिंग क्लाइंट्स को मिलती हूँ और एक दिन में सिर्फ चार टेलीफोन सुनती हूँ मैं लाइन लगा के नहीं बैठती क्योंकि मैंने एक कहा था कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ठीक है ना ताकि मैं अपने क्लाइंट को पूरा टाइम उसमें जो है हुँ. तो ये जरूर है कि क्लाइंट अल्लाह का शुक्र है कि लोग अगर कोई फ्रीक्वेंट या रेगुलर हैं, है तो कोई एतमाद या प्यार का बना हुआ है तो ही तो वो भी बार बार आते कोई आफ्तारियाँ भी भेजता है आपको नहीं लोग बड़ी इज्जत भी लोग देते हैं जो देते हैं लेकिन सच्ची बात है कि मेरी जिंदगी आप आके देख लीजिए इतनी सादी सी है उसमें कोई शोशा नहीं है मतलब आप ये डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही कि क्या फीस है नहीं तो वो तो मैं, मैं जब पब्लिक आप मेरे दफ्तर आपने तो वो, 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 <laughs> वो जानना चाहते, चाहते हैं तो वो इनके ऑफिशियल अच्छा तो मैम अब ये इस बात पे आ जाते हैं हमारी आखिरी बात ये कि आगे आ, कोई पैगाम जो ऑडियंस को देना चाहे जो हमें देख रहे थे सुन रहे थे कोई आखिरी पैगाम उनको अगर हम पाकिस्तानी मैं अपने मुल्क की बात करूंगी इस मुल्क में से सिर्फ एक चीज़ माइनस हो जाए मैंने लाहौर में जब से मैं आई तो मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया हम इतनी सी बातें भी झूठ बोलते हैं ए मैं पंद्रह मिनट से आया ए मैं इस चौक मैं आया ये क्या बात हुई क्यों आप लोग एग्जेक्ट नहीं बोल सकते ये तो हमारे अंदर खून में आ चुकी है जिस दिन ये ख़त्म होगी इस मुल्क के रिस्क में कसम से बरकत शुरू हो जाएगी झूठ रिस्क को खा जाता है ये बात अगर हम जाती जिंदगियों में हमें डर लगता है तो हम मुल्की लेवल पे क्यों नहीं सोचते इस मुल्क में से अगर ये बीमारी माइनस हो जाए हम मसलाता बेजर झूठ भी माइनस कर दें मैंने आपको कसम से मैंने अपने इंटरव्यू में कोई एक झूठ नहीं बोला आपके साथ क्या बात कोई एक लफ्ज मैंने झूठ नहीं बोला ना अपनी जात के आप बारे आप में, में चाहे मैंने ठुडे खाए हैं मैंने ठोकरें खाई हैं मैंने वो भी सच बताई हैं तो मैंने क्योंकि इस पे मैं बिलीव नहीं करती जो सच होता है आखिर में मैं कहते हैं जीत उस सच की होती है तो मैं भी अगर इस हक और सच के साथ चली हूँ मैंने बड़ी तनकीद भुगती है कि ये जो इल्म है ये दो जमा दो चार है मैं कहती थी फिर दो जमा दो चार आप ही के पास होगा मेरे मेरे पे आदमी स्टॉलोजिस्ट ने बहुत तनकीद की है यकीन करें मेरे बखिए भी उधेड़े हैं इन्हों कुछ नहीं आंद ऐसे जरा सिफ़ारशा ना टी वी ते जान दिए मतलब जितने चैनल्स हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि सिफ़ारिशों से एक आपको एक चैनल पे नौकरी मिल जाए तो बता दीजिएगा सिफारिश से टी वी हाँ। आ ज़रूर सकते हैं अब्दुल्ही है। सर्वाइव नहीं कर सकते आप जब तक आप अपनी वो बनाएंगे नहीं क्रेडिबिलिटी जो है तो आ, मैं आज इंटरव्यूज अगर छह महीने से नहीं भी दे रही तो भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम अल्लाह पाक ने रंग लगाया हुआ या अपनी इज्जत उसी तरह मेरी कायम रखें जी बहुत तो ये झूठ हाँ, बस माइनस करवा दें किसी तरीके से रि, रिपीटेडली कहते रहा करें झूठ ना बोलिए झूठ ना बोलें ठीक हो गया जी समिया खान साहिबा का ये पैगाम है जी कि झूठ छोड़ दें झूठ ना बोला करें ये छोटे छोटे हम झूठ बोलते हैं और उसमें आप ही नहीं मैं भी हूँ और हम हम सब ये हमारे जो है कि क्या कहते हैं ना शुगल बन गया हुआ है कि यार बस झूठ बोल देते हैं किसी बात पे कसम खा लेते हैं ये ना करिएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 जो है पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा और अच्छा होगा और उसमें पाकिस्तान खुशहाली में जाएगा इन इस तरह ही हो जिस तरह इन्होंने कहा है खैर अल्लाह तला तकदीर लिखने वाला है अल्लाह ताली हर चीज़ पर कादिर है तो हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं अपने होश अब्दुल्ही को दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिए अल्लाह फजन आसर